हरे कृष्णा जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। 21 अगस्त श्री कृष्ण सर्वत्र हैं, आपको केवल उन्हें पकड़ना है और वे सदैव पकड़े जाने के लिए तैयार हैं। हाँ, यदि कोई उन्हें पकड़ने के लिए है तो मान लीजिए आप भक्त हैं। यदि आप उन्हें पकड़ना चाहते हैं तो वे आपकी इच्छा से 10 गुना आपकी ओर बढ़ेंगे। वे इतने दयालु हैं, इसलिए हमें केवल उन्हें स्वीकार करना है। लंदन, 21 अगस्त 1973, जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। बड़ा सरल है, इस जीवन में जैसा कर्म कीजिएगा, यदि देवता को अर्चन कीजिएगा, अनेक देवता है तो जान थी देवव्रता देवा, तो देवलोक में आप जाइए। पितरी जान थी पितृव्रता, जो श्राद्धादि होता है हाँ, वो श्राद्ध करके पितृलोक को संतोष करते हैं, वो पितृलोक में जाएंगे। कर्मकांड जो विचार, और जो भौतिक है इस दुनिया में परिश्रम करते हैं तो इस यही रहेंगे, चाहे मनुष्य शरीर है कि जानवर शरीर है, कोई भी शरीर है। और भगवान कहते मर जा दिनों भी जानती माँ, और जो हमारा भक्त है केवल हमारे ही सेवा में निजुक्त है, वो हमारे पास है। ये बात नहीं है जैसा मूर्ख लोग कहते हैं, किसी प्रकार कोई भी काम करो आगे जाते सब भगवान मिल जाए। ये भगवान इतना सस्ता नहीं है। हाँ, जैसा बड़ा मिशन कहते हैं जतो मत ततो, कोई भी मत आप निकाल लीजिए और अपना काम कीजिए, भगवान का पास पहुंच जाएगी। ये तो भगवान बन जाए, ये सब धोखाबाजी। भगवान जो कहते हैं हो, जो जानते देवव्रता देवान, तो देवव्रता देवान जो सबसे उच्च लोग है ये भौतिक जगत में, ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक का विषय अब भगवत गीता में भी कहते हैं, सहस्र युग पर्यंतम अरहत जग ब्रह्मनोविदु। ये जो हमारा युग होता है सत्त्रिता दापर कलि, ये चार युग में इसको युग कहा जाता है, दिव्य युग, चतुर्युग, ऐसा अलग अलग नाम होता है। इस प्रकार हजार चतुर्युग में ब्रह्मा का एक दिन जो कि हमारा 12 घंटा है, समझ लीजिए सवेरे सूर्योदय तक, सूर्योदय से शुरू करके और शाम को सूर्यास्त तक 12 घंटा समझ लीजिए, कभी 13 होता कभी 14 होता, तो साधारण 12 घंटा। ये जो ब्रह्मा जी का 12 घंटा है वो हमारा जो चतुर्युग है सत्त्रिता दापर कलि, ये सब मिलकर के हजार गुण करने से ब्रह्मा जी का 12 घंटा हो। अब समझ लीजिए उसका आयु 100 वर्ष है तो कितना लंबा लंबा उनका दिन रात महीना बरस। तो ब्रह्मा लोक में जाने से जैसे ब्रह्मा जी का आयु है वो आपको मिल सकता है, चंद्रलोक में जाने से आपको 10,000 वर्ष परमायु मिल सकता है, परंतु मरने होगा, ये बात नहीं। ब्रह्मा जी को भी मरना है और हम लोग को भी मरना है सब, इसलिए भगवान कहते हैं आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन। अगर ब्रह्मलोक में भी जाओ, सर्गलोक चंद्रलोक महोलोक जननलोक को तो बात ही नहीं, सबसे जो आगे है वो ब्रह्मलोक में भी जाओ तो आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन, कोई आवागमन उसमें लगा रहा। और यदि हमारा धाम में आओ तो फिर पुनर्जन्म न विद्यते, जदगत्या न निवर्तन्ते। इसलिए मनुष्य जीवन को चाहिए कि इसी जीवन में भगवत भक्ति को अच्छी तरह से पालन करके भगवान का पास चले। ये सब जानते ही नहीं, भगवत गीता में सब कुछ बताया हुआ, ये तो आदमी इसमें ध्यान देता नहीं और नहीं तो जानता ही नहीं।
बाकी सब चीज भगवद गीता में बता है। हाँ, केवल उसको अच्छी तरह से समझ करके और अगर काम किया जाए, इसी जीवन में हमारा जीवन सफल हो जाए। जीवन सफल क्या? मैं जीवात्मा, भगवान का अंश स्वरूप, भगवान जो वस्तु है मैं भी वही वस्तु है, भगवान विभू मैं हूं। किसी तरह से मैं भौतिक जगत में फंस गया, यही बात। और इससे उद्धार हो करते फिर हमारा जो सच्चिदानंद शरीर है उसको प्राप्त करके फिर भगवान के पास जाकर के अच्छी तरह से रहो। जद गत्या न निवर्तन्ति तद धाम परम नमः। नित्य काल नित्य नित्यानाम वेद में कहते हैं भगवान नित्य वस्तु है, हम लोग भी नित्य वस्तु है, तो फिर क्यों अनित्य संसार में हम लोग इधर इतना तकलीफ उठाते हैं? ये दिमाग में घुसता है, इसका नाम है पशु जीवन। जैसे पशु का दिमाग में घुसता नहीं कि क्यों इतना परिश्रम कर रहे हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति ये जिज्ञासु नहीं है जो हम दिन भर क्यों परिश्रम करते हैं और भगवान का विषय में बिल्कुल ध्यान नहीं है, तो वो पशु ही है। समझ ली, वो पशु ही, उसको पशु ही कहा जाता आहार निद्रा भय मैथिल। इसलिए भगवान खूब विश्लेषण कर, जिसका अंग्रेजी में कहते हैं एनालिसिस, एक एक पुंख पुंख विचार करके समझा रहे हैं कि ये जो दुनिया है पांच भौतिक भूमि अपान वायु खंग मन बुद्धि, पांच भौतिक वो स्थूल है और सूक्ष्म भौतिक है मन बुद्धि अहंकार। तो भगवान कहते हैं इति अंग में भिन्ना प्रकृति अस्तधा, ये जो आठ प्रकार की प्रकृति है ये हमारा ही चीज है, थोड़ा अलग। जैसा उदाहरण स्वरूप जैसा आप लोग को हम सुना रहे हैं और टेप रिकॉर्ड में ये सब जो वचन है वो सब रिकॉर्ड हो जाए, वो टेप रिकॉर्ड को जब प्ले किया रिप्ले किया जाएगा मालूम होगा मैं ही बोल रहा हूं, मैं हमसे वो अलग है, वो चीज अलग है। यद्यपि शब्द से मालूम होगा कि मैं ही बोल रहा हूं। इसी प्रकार ये जो भौतिक जगत है ये क्योंकि भगवान परम सत्य वस्तु है और उनकी प्रकृति से भिन्ना प्रकृति द्वारा ये प्रस्तुत है, इसको बनाया गया है, मालूम होता है ये सत्य। बाकी भगवान कहते हैं भिन्या ओम तत्सत, चिद वस्तु सत है, अचिद वस्तु सत नहीं है। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 10। सहयजना प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविषयद्धम् एष वो अष्टोऽष्ट कामदोक। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसे करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि सृष्टि क्यों की गई। कई बार ये प्रश्न उठता है कि भगवान ने क्यों ये संसार बनाया जिसमें इतना दुख है, जिसमें इतना पॉल्यूशन है, जिसमें खाने की कमी है, पानी की कमी है, नौकरियों की कमी है। भगवान ने ऐसा सृष्टि नहीं बनाया। भगवान ने जो सृष्टि बनाई, हाँ दुखाले जरूर है हमारे ट्रेनिंग के, ये हम बद्ध जीवों को एक मौका दिया जा रहा है। जैसे
कई बार होते हैं ना ऐसे, जैसे कुछ मूवीज वाले होते हैं या क्रिकेट वाले होते हैं, है ना, वो लोग एक कॉम्पिटिशन कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, नया नया टैलेंट जो अपने घरों में है उनको मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, तुम अच्छा प्रैक्टिस करो, अच्छा क्रिकेट खेलो, आओ फिर देश के लिए खेलो, इंडिया लेवल पे खेलो। तो भगवान ने हम बद्ध जीवों के लिए जो संसार में पता नहीं अनेकानेक करोड़ों अरबों जन्मों से बैठे हुए हैं, एक मौका दिया कि देखो ये संसार है, सृष्टि है, ये एक प्लेटफॉर्म तुम लोगों के लिए बनाया है, इसमें देवता भी हैं, इसमें सारी सृष्टि मैंने बना दी है, सारी फैसिलिटीज मैंने बना दी है, शुद्ध जल है, शुद्ध हवा है, शुद्ध अन्न है, सब कुछ शुद्ध है, शास्त्र मैंने दे दिए, इसको पढ़ो, समझो कैसे रहना है, क्या कर्म करना है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, सब समझो और वैसे कार्य करो और आनंद में रहो, सारी फैसिलिटी मैंने तुमको दी है। और जैसे ही तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, तुम अगर जैसे मैंने कहा है शास्त्रों में उस हिसाब से अगर तुम जियोगे तो जीवन के अंत में तुम मेरे पास वापस आओगे, सिलेक्शन हो जाएगा। अब वाटर पॉल्यूशन, वाटर तो भगवान ने बनाया, पॉल्यूशन हमने ऐड किया, सॉइल पॉल्यूशन, फूड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ये सब तो हमने किया है ना। आज के 30-40 साल पहले भी कितना शुद्ध वातावरण था, अभी धीरे धीरे अशुद्धता बढ़ती जा रही है, क्यों, ये सब करने वाले कौन है, मनुष्य, भगवान ने नहीं ऐसे बना। तो भगवान ये सृष्टि का निर्माण करते हैं, हमको एक मौका मिले भगवान की भक्ति को प्रैक्टिस करके हम अच्छे से भक्त बने और भगवत धाम जाएं। इस संसार में हमको कौन बांधा हुआ है, भगवान को भूलना ही कारण है संसार में बंधन का, और भगवान को याद करना और भक्ति करना ये मोक्ष का कारण बनेगा, उसका एंटीडोट उल्टा बनेगा। हम भगवान को भूल चुके हैं तो इस बंधन में फंस गए, तो भगवान को वापस याद करेंगे, हमारे संबंध को समझेंगे, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मेरा संबंध क्या है भगवान के साथ, उसको समझेंगे, फिर उस संबंध को समझने के बाद वैसा कर्म करेंगे, उसको भक्ति कहते हैं, और फिर हम क्या होगा, यहां से निकल जाएंगे। अब संबंध स्थापित कैसे होगा, संबंध स्थापित होगा शास्त्रों से ज्ञान को प्राप्त कर, गुरु से, साधु से और शास्त्र से, गुरु साधु शास्त्र, ये तीनों से हमको ज्ञान मिलेगा कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं ना, देही नो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते जीरा सत्रनम, ये तो शरीर नहीं है। फिर कहते हैं मामे वामशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तुम मेरे अंश हो, तो मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। भगवान कौन है, भगवान अपने बारे में गीता में बताते हैं, फिर हमारा संबंध भी बताते हैं कि हम भगवान के अंश हैं। तो इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि मेरा भगवान कृष्ण के साथ संबंध क्या है। अब ये स्थापित हो गया, अब इसके बाद कुछ करना भी तो है, तो संबंध के बाद अभिद्य, संबंध अभिद्य प्रयोजन, प्रयोजन मतलब जो हमें प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, भगवत धाम को प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, वो प्रयोजन। संबंध मतलब भगवान के साथ संबंध, अभिद्य मतलब हम समझ गए कि अब भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूं, तो मैं क्या करूं, उसको कहते हैं भक्ति, वो है साधना। और हमें सबसे पहले क्या है, भगवान क्या बता रहे हैं, यज्ञ। अब ये कलयुग है, कलयुग में यज्ञ तो उतना अच्छे से हो नहीं सकेगा, वो शुद्धता नहीं है, तो भगवान ने फिर उसका भी आयोजन किया, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। श्रीमद भागवतम में वेदव्यास जी लिखते हैं कि कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उस भगवान की आराधना करेगा जो भगवान अपने पार्षदों के साथ, अपने संगी गणों के साथ आके हरे कृष्ण महामंत्र का आंदोलन चालू करेंगे। मतलब कौन, भगवान कृष्ण आए 535 साल पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में, अपने संगी गणों के साथ, अपने पार्षदों के साथ आके हरिनाम आंदोलन प्रारंभ किया। और कैसे आराधना करेंगे उस भगवान की, हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण मंत्र ये जप करके, यही यज्ञ है। यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस, संकीर्तन यज्ञ करना है,
हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। श्री प्रभुपाद कहते हैं हमारी सारी भक्ति इस पे आधारित है, 99% हमारी भक्ति हमारे जप पे आधारित है। इसलिए अच्छे से अगर जप करेंगे तो हमारा जो संबंध, अभी थ्योरेटिकली पता तो पड़ गया कि मैं दास हूं, भगवान स्वामी है, हमारा संबंध है, लेकिन अब उस पे कार्य करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे और प्रयोजन मतलब भगवान कृष्ण को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र, फिर आगे के श्लोकों में भगवान बताएंगे, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना और संबंध को और समझना और उसको गहराई से शास्त्र पढ़ना, गुरु के आदेश अनुसार कर्म करना भक्ति के, तो गुरु के शरण लेना। तो ये सब जो है ये सब भक्ति के कर्म है, इसको आभिध्येय कहते हैं, इससे हम अपने प्रयोजन को पहुंच जाएंगे। तो भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई है, कि हम अपने संबंध को समझे भगवान के साथ और उस पर एक्ट करें, हमारे भक्ति के कर्म करें और फिर भगवान को प्राप्त करें, आनंद को प्राप्त करें। तो ये एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है या बनाया गया है जहां पे हम अपना परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं और भगवान देखेंगे, हाँ अच्छा भक्ति करता है, चलो इसको सिलेक्ट करो अपने साथ ले जाएंगे, फिर दूसरा इसको भी सिलेक्ट करो। इसमें हेल्प कौन करता है हमको तैयार होने में, गुरु साधु शास्त्र, यानी भगवान ही हेल्प करते हैं, ये कॉम्पिटिशन नहीं है, इसमें सब जा सकते हैं, इसमें कोई रैंक वन रैंक टू नहीं है। अगर 750 करोड़ जनसंख्या इस संसार की भक्ति करे शुद्ध भक्ति, तो भगवान 750 करोड़ को ले लेंगे, वहां कमी थोड़ी है। यहां तो क्या होता है कि 11 खिलाड़ी 15 खिलाड़ी रखते हैं, तो पूरे 750 करोड़ ले जाओ और भी ले जाओ, वहां कमी नहीं है। और भगवान ही साधुओं को भेजते हैं, गुरु को भेजते हैं, शास्त्रों को भेजते हैं, बोलते जाओ इनको तैयार करो, और तैयार कराते हैं और फिर हम उसमें भक्ति करके अपने आप को तैयार करते हैं गुरु और साधु और शास्त्र की जो मदद से, और अपने आप को भक्त बना के हम यहाँ से भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्ण।